गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग एवरी वन माई ने शुभम सिंह हानिया एंड आई एम फॉर यू जी सी नेट पेपर वन पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने थमनेल में देख ही लिया होगा दैट दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स क्वालिफाइड स्टूडेंट्सिड यूजीसी नेट या फिर जिन्होंने अभी अभी यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छी न्यूज है बिकॉज फोर फिफ्टी फाइव असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट इतनी ज्यादा वैकेंसीज कभी नहीं निकली हैं ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने निकाली है जिसके बारे में वंडरफुल अपॉर्चुनिटी बिकॉज यहां पे जो रिक्रूटमेंट निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजिशन पे उसमें पी की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है जैसे अभी तक हम इतनी बार बात कर चुके हैं कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है बहुत सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं जो जब भी अपनी नोटिफिकेशन निकालते हैं तो उसके अंदर एक छोटा सा राइडर डाल देते हैं कि भाई पीएचडी एच डी होनी चाहिए बट उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है उन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि पी एच होनी चाहिए इसका मतलब अगर आपने अपनी मास्टर्स करी हुई अगर आपने नेट सेट सिलेक्ट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो मैं ये जानकारी आपको सबसे पहले देने वाला हूं और सारे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आप सबको अप्लाई जरूर करना चाहिए जो स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट अवेटेड है आप भी अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज मोस्ट प्र जब तक इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा जब तक इंटरव्यू शुरू होंगे तब तक आपके रिजल्ट बिल्कुल आ जाएंगे योर नेट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड इन अ वीक्स टाइम तो जब तक ये फॉर्म फिल करने की डेट खत्म होगी जिसके बारे में मैं अभी आपको जानकारी देने वाला हूं

अपडेट मुझे लगती है जो मुझे आप स्टूडेंट्स को देनी चाहिए वो भी मैं आपको देता रहता हूं तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी ठीक है ठीके? और साथ में हमने टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक पे क्लिक करके ताकि अगर कोई आपके डाउट्स हो तो वो भी आप वहां पर पूछ सके ठीक है चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं जल्दी से चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर तो ये नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूं कि अभी एक अमेंडेड नोटिफिकेशन निकला है दैट इज बीइंग रिलीज्ड ऑन नाइनटीन ऑफ जनवरी ये मेरे हाथ लगा है पहले ये रिक्रूटमेंट निकल चुकी थी और जो इसकी लास्ट डेट थी इनिशियली करी गई थी बट अब उसको रिलैक्स करके 21 से 43 कर दिया गया है तो इसका मतलब अगर मैं एज के बारे में बात करूं तो अगर आप ट्वेंटी वन से लेकर फोर्टी थ्री के हैं इस बीच में आपकी एज पड़ती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं यू कैन अप्लाई और डेट क्या है तारीख बता देता हूं 20 जनवरी से 28 जनवरी 2022 से आपका नोटिफिकेशन खुल गया था और ये 9 फरवरी 2022 तक ओपन है इसका मतलब कि अगर अभी भी चार तारीख हो रही है ठीक है इसका मतलब अभी भी आपके पास चार पांच दिन है तो आप जरूर फॉर्म टाइमली भर लीजिए लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा ठीक है सो दीज फॉर्म आर ओपन और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है ताकि आप वहां से डाउनलोड करके अप्लाई भी कर सकते हैं और पूरा नोटिफिकेशन खुद भी पढ़ सकते हैं बट मैं आपको यहाँ पे पूरा जानकारी दूंगा पूरी अपडेट दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है ठीक है तो हमें एज पता चल गई एंड सेकेंड चीज हमें पता चल गई कि नाइन्थ फेबर तक ये फॉर्म ओपन है आप फिलअप कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कई बार लगता है लोगों को कि सर आपने फोर फिफ्टी फाइव वेकेंसीज तो लिखिए बट हमें दिखाइए फोर फिफ्टी फाइव वेकेंसीज कहाँ है तो ये देखिए ये सब्जेक्ट रिलेटेड वैकेंसीज दी हुई है सब्जेक्ट स्पेसिफिक हिंदी सब्जेक्ट में है अगर आप तो थर्टी थ्री वेकेंसीज हैं ये कैटेगरीज गिवन है जिसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमें इंग्लिश सब्जेक्ट में फिफ्टी टू है संस्कृत में नाइनटीन है जोग्राफी सब्जेक्ट के अंदर नाइनटीन है इकोनॉमिक्स में फोर्टी टू वेकेंसी है जो कि बहुत ज्यादा है पॉलिटिकल साइंस में ट्वेंटी फोर है सोशोलॉजी में ट्वेंटी थ्री है हिस्ट्री में ट्वेंटी फोर है अब मेरे कॉमर्स वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर कॉमर्स का बता दो तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते अगले पेज पे चलते हैं जहां पे कॉमर्स की जानकारी दी हुई है ठीक है तो देखिए ये कॉमर्स नंबर पे दिया हुआ है वारिज ठीक है और यहाँ पे ट्वेंटी फाइव वेकेंसी है ट्वेंटी फाइव असिस्टेंट प्रोफेसर की वेकेंसी निकली हुई है और मैं आपको बता दूं कि मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स में आप कॉमर्स से हैं आप मैनेजमेंट से हैं आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो मैनेजमेंट वाले हैं वो भी जिन्होंने मैनेजमेंट में नेट क्वालिफाई किया हुआ है वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं और कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज वीडियो को शेयर करिए ताकि वो फॉर्म फिल कर सके ऐसा नहीं होना चाहिए सर हमारा तो सब्जेक्ट हो गया है हम अपने दोस्तों को नहीं बताते प्लीज अपने दोस्तों को बता दीजिए बिकॉज इतनी ज्यादा वैकेंसी एक ही साल में एक ही स्टेट के अंदर कभी नहीं आती है एंड दीज ऑल आर गोइंग टू बी गवर्नमेंट कॉलेजेस क्योंकि ये गवर्नमेंट के डिग्री कॉलेज होने वाले हैं क्योंकि उत्तराखंड में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो काफी सारे नए कॉलेजेस खुले तो उसकी रिक्रूटमेंट के लिए वहां पर अपॉइंटमेंट के लिए और उत्तराखंड वैसे भी बहुत ही ब्यूटिफुल स्टेट है बहुत ही हरा भरा स्टेट है इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्टेट है बहुत सारी घूमने की भी जगह है तो और भी आपको अदर पर्क मिलने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम योर वंडरफुल सैलरी ठीक है चलते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट बता देता हूं मैं आपको अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या है एलिजिबिलिटी हमें समझनी बहुत जरूरी है कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए अगर आप आर्ट्स में अप्लाई कर रहे हैं कॉमर्स में कर रहे हैं ह्यूमैनिटीज में कर रहे हैं एजुकेशन लॉ एक्सेट्रा क्या एलिजिबिलिटी है प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझिएगा मैं एक एक स्टेप आपको बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा मास्टर्स डिग्री विथ फिफ्टी मतलब अगर आपका एग्रीगेट जो आपका एग्रीगेट बनता है फाइनल ईयर में अगर वो 55% बन रहा है इट इज कमिंग आउट टू बी फिफ्टी फाइव परसेंट अगर आपका एग्रीगेट बन रहा है इन जनरल कैटेगरी तो आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर फिफ्टी परसेंट एन एस सी एस टी या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के अंदर तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं मतलब अप्रोक्सीमेटली आप फिफ्टी से फिफ्टी फाइव परसेंट के बीच में अगर आपका स्कोर है इन वेरियस कैटेगरी किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से हो तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए तो बहुत ही बहुत ही ज्यादा परसेंटेज मार्क्स आपसे नहीं मांगे गए बहुत ही हल्के मांगे गए ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस ये पहली रिक्वायरमेंट हो गई ठीक है और ध्यान रखिए एलिजिबिलिटी ए और भी लिखी हुई है मतलब या तो ए कैटेगरीज में जो जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो फुलफिल होने चाहिए या फिर बी वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए ठीक है तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा मास्टर्स लेवल पे फिफ्टी फिफ्टी फाइव परसेंट इन वेरियस कैटेगरी सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है अपार्ट फ्रॉम अब कैंडिडेट मस्ट हैव नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट देखिए यहाँ पे जी की बात बिल्कुल नहीं करी गई है तो कई बार स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं जो अभी कमेंट सेक्शन में भी आएंगे कि कि सर होना चाहिए नहीं नहीं जी जे आर एफ नहीं होना चाहिए सिर्फ नेट की रिक्वायरमेंट अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप आप अप्लाई अप्लाई कर कर सकते सकते हैं हैं सिमिलरली और और कोई सिमिलर टेस्ट टेस्ट है है टेस्ट है है स्लेट या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी तो भी आप एप्लाई कर सकते है। ठीक है? और अगर आपको पीएचडी मिल गई है ठीक है रेगुलेशन के हिसाब से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है तो और साथ साथ पीएचडी की कुछ रिक्वायरमेंट है तो उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज जिन्होंने पीएचडी कर रखी होगी जिन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर रखी होगी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि उनका नेट तो एटलीस्ट बिल्कुल क्लियर होगा रिक्वायरमेंट हो गई हो तो में 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 तो well और दूसरी रिक्वायरमेंट हो गई कि नेट या फिर सेट या फिर सेट क्वालिफाइड होना चाहिए ठीक है यही दो रिक्वायरमेंट है मेजरली ए कैटेगरी में आती है ठीक है बी कैटेगरी में क्या रिक्वायरमेंट है वो भी देख लेते हैं हमारी बी कैटेगरी है उससे पहले ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे और लिखा हुआ है

और अगर आपका नेट क्वालिफाइड है फिफ्टी फिफ्टी फाइव परसेंट बनता है तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए ठीक है तो ये हमने बात कर ली एलिजिबिलिटी की अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे आपको बताना है वो है शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया ठीक है देखिए अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि मेरिट बेसिस पे गवर्नमेंट में कहते हैं ना कि मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है तो आपके ग्रेजुएशन को पोस्ट ग्रेजुएशन को एमफिल को नेट जी को हर चीज को थोड़ा थोड़ा वेटेज दिया जाएगा उसके बेसिस पे मेरिट क्रिएट की जाएगी ठीक है मेरिट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड एक लिस्ट बना दी जाएगी और उस लिस्ट के बेसिस पे उत्तराखंड गवर्नमेंट का उत्तराखंड सरकार का डिस्टिंग होगा कि वो कितने कैंडिडेट्स इंटरव्यू में बुलाना चाहती है इंटरव्यू ओनली ठीक है college, only, और इंटरव्यू एंड सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ओनली परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू इसका मतलब क्या है कि एक बार अगर आपको इंटरव्यू में बुला लिया जाता है डस से सौ मार्क्स का इंटरव्यू होता है तो जैसा आप इंटरव्यू में परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों तो देखिए कितनी अच्छी बात है कितनी बार स्टूडेंट्स को लगता है कि सर आ, हमने कई बार अच्छा स्कोर नहीं किया तो हमारा कैसे सिलेक्शन होगा और मैं हमेशा कहता हूं कि एटलीस्ट दो से तीन सब्जेक्ट्स में अपनी स्पेशलाइजेशन रखिए अपनी अच्छी पकड़ रखिए अपार्ट फ्रॉम नेट जी तो अब आपको उत्तराखंड सरकार ये मौका दे रही है कि अगर आपने दो तीन सब्जेक्ट में कमांड बनाई हुई है अगर आपको इंटरव्यू तक पहुंचने का मौका मिल जाता है और अगर आप वहां पे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप डायरेक्टली रिक्रूट हो सकते हैं और मैं एक और छोटी सी जानकारी दे दूं ये परमानेंट वैकेंसी है दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये टेम्पररी या फिर एडहॉक या फिर गेस्ट पोजिशन के लिए ये परमानेंट वैकेंसी आपको मिल रही है यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में है तो एक बार आप लग गए तो आप एक बार लग गए वहां पर ठीक है तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए ठीक है अब मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस पे मेरिट बनाई जाएगी ठीक है अगर ग्रेजुएशन में जो भी आपने ग्रेजुएशन में किया है बीकॉम किया है बीबीए किया है वट एवर यू हैफ़ डन अगर 80 परसेंट एंड अबव आए हैं आपके तो आपको 21 मार्क्स दिए जाएंगे 60 परसेंट से लेके 80 परसेंट के बीच में आए तो आपको 19 मार्क्स दिए जाएंगे 55 परसेंट से लेके 60 परसेंट के बीच में आए तो सिक्सटीन मार्क्स दिए जाएंगे फोर्टी से लेके फिफ्टी तक आए तो आपको दस मार्क्स दिए जाएंगे 55 परसेंट क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट है 55 से फिफ्टी परसेंट तो इस तरीके से इन्होंने स्कोर्स बता दिए तो मतलब आपको स्कोर्स दिए जाएंगे बेस्ड ऑन योर ग्रेजुएशन स्कोर सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर्स लेवल पे अगर आपके 80 परसेंट से ऊपर हैं तो आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे 60 से 80 के बीच में तो ट्वेंटी मार्क्स दिए जाएंगे फिफ्टी या फिफ्टी फाइव है बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया तो आपको बीस मार्क्स दिए जाएंगे अनसोवन ठीक है क्योंकि आपके मास्टर्स की क्राइटेरिया को उनको देखना है इसलिए उन्होंने यहाँ पे फिफ्टी और फिफ्टी स्पेसिफाई कर दिया तो जितने ज्यादा आपके मार्क्स होंगे मतलब एटलीस्ट एट्टी परसेंट तो होनी चाहिए अगर आपके एट्टी परसेंट मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में भी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी तो आप हाईएस्ट मार्क्स गेन कर रहे हैं आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं ठीक है अब बात करते हैं एमफिल के बारे में काफी सारे लोगों ने एमफिल कर रखी होगी ठीक है तो अगर उन्होंने एम कर रखी होगी और सिक्सटी से ऊपर होंगे तो उनको सात मार्क्स मिल जाएंगे लेकिन अगर फिफ्टी से सिक्सटी के बीच में होंगे तो उनको पांच मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है तो हम यहाँ पे मार्क्स कैटेगरी देखते हुए चल रहे हैं अगर आपने पी कर रखी होगी ठीक है तो आपको ट्वेंटी मार्क्स दिए जाएंगे मेरिट में ठीक है अब देखिए थोड़ा साई किया तो अगर आपने कर रखा है, तो आपको 10 जाएंगे, तो जाएंगे। देखिए यहां भी उन्होंने डिस्टिशन कर लिया इसीलिए मैं कहता हूं काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं कहते हैं सर हमने सेट क्वालिफाई कर लिया नेट देना जरूरी है क्या यहां देखिए आपको पता चल रहा है कि अगर आपने सेट क्लियर किया या फिर सेलेक्ट क्लियर किया तो आपको पांच मार्क्स दिए जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो एक कैंडिडेट करके आ रहा है उसको किसी में जा रहे हैं। और किसी क्राइटेरिया में दो मार्क्स तो की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा बढ़ गई ठीक है थीके? अगर आपकी कुछ रिसर्च पब्लिकेशंस हैं ठीक है तो आपको दो मार्क्स रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए मिलेंगे means, तीन रिसर्च पेपर्स अगर आपके पब्लिश्ड हैं किसी भी यूजीसी के में या में, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एटलीस्ट जब आप पेपर पब्लिश कर रहे हैं तो यूजीसी केयर में आपको करना ही चाहिए इन्होंने पीयर रिव्यू भी स्पेसिफाई कर दिया है सॉरी जो यूजीसी केयर से थोड़ा सा नीचे होता है बट एटलीस्ट यूजीसी केयर है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है हर कॉलेज में हर यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है अगर आपको टीचिंग या फिर पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस है कुछ लोग पोस्ट डॉक के लिए भी जाते हैं एक बार उनकी पीएचडी हो जाती है या आप अगर कुछ साल पढ़ा चुके हैं टीचिंग एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो आपको दो मार्क्स मिलेंगे हर साल के लिए इसका मतलब अगर आपने पांच साल पढ़ाया है साल आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो आपको टेन एडिशनल मिल जाएंगे ठीक है अगर आपको कोई नेशनल लेवल लेवल अवार्ड अवार्ड मिला मिला है 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 ठीक ठीक उसको भी वेटेज दिया गया दैट इज मार्क्स मिल जाएंगे है? और अगर स्टेट तो आपको दो पॉइंट मिल जाएंगे ठीक है तो ये बेसिकली टोटल हंड्रेड मार्क्स में से आपका मरिक बनाया जाएगा ठीक है अब देखिए यहां पे मैं बता दूं उस समय काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर जिन्होंने पीएचडी कर रखी होगी या जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होंगे उनके मार्क्स तो हमसे वैसे ही ज्यादा हो जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन का क्या पॉसिबिलिटी है या क्या चांसेस है तो मैं आपको बता दूं पहले तो आप एक कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए कि जिनकी पीएचडी हो चुकी होगी और जो कहीं पढ़ा रहे होंगे ठीक है उनके अप्लाई करने के चांसेस पहली बात तो कम होते हैं ठीक है बिकॉज वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में अपने करियर में सेटल हो चुके होते हैं दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है सारे लोग यही सोचते रहते हैं कि हमारा कहा सिलेक्शन होने वाला इतने सारे पीएचडी कैंडिडेट होंगे बट वो अप्लाई ही नहीं करते तो प्लीज ऐसी गलती मत करिएगा कई बार ऐसा होता है क्योंकि इट्स अ रिलेटिव कंसेप्ट हो सकता है कि पांच कैंडिडेट्स अप्लाई करें ठीक है लेकिन उसमें से सिर्फ बीस कैंडिडेट्स ही ऐसे हो जिनके पास पी हो तो अब सिर्फ बीस कैंडिडेट्स को तो नहीं बुलाया जाएगा बिकॉज नंबर ऑफ वेकेंसी बहुत ज्यादा है एटलीस्ट थ्री टू फोर टाइम्स इवन टेन बार कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द उत्तराखंड गवर्नमेंट आप मान के चलिए कि अगर कॉमर्स में 25 वैकेंसी भी है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कम से कम 100 कैंडिडेट्स मतलब मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं कम से कम 100 कैंडिडेट्स को बिल्कुल बुलाया जाएगा तो हो सकता है कि 100 कैंडिडेट्स पीएचडी वाले हो ही ना जो कि बहुत हाई चांसेस है बिकॉज इतने ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करते जिनकी पीएचडी हो चुकी होगी वो कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा रहे होंगे ठीक है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है मैंने दोबारा बता रहा हूं आपको इसका जो पूरा का पूरा ब्रोशर है वो लिंक में प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन के अंदर वहां से आप डाउनलोड करिए पूरा पढ़ लीजिए अगर आप चाहते हैं तो वैसे मैंने मेजोरिटी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं और इस फॉर्म को जरूर फिल करिए नाइन्थ फेबररी इज द लास्ट डेट ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं और इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लीजिए कि मैं अगर इंटरव्यू दूंगा अगर मेरा मौका आता है उसी बहाने मैं अपने वो दो तीन सब्जेक्ट्स तैयार कर लूंगा जो मुझे आगे काम आने वाले ठीक है सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा मैंने दो सारी डिटेल आपको दे दी है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं आई एल बी रिजॉल्विंग ऑल योर डाउट्स ठीक है दैट वाज ऑल थैंक यू टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट